वैसे तो जब भी रामायण की बात आती है तो हमारे दिमाग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता और महाबली हनुमान का ख्याल तुरंत आने लगता है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए किसी ने कष्ट उठाए हैं तो किसी ने अपने पराक्रम से हर असंभव कार्य संभव करके दिखाए। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इन लोगों के बारे में ना बताकर बल्कि रामायण काल के कुछ ऐसे महान योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनसे युद्ध करने से देवता भी एक पल को घबराते थे। वो इतने वीर और पराक्रमी थे कि उनकी पराक्रम के आगे जल्द ही देवता भी नहीं टिक पाते थे। तो आइए जानते हैं इन वीर योद्धाओं के बारे में। नंबर वन, अतिकाय। महावीर रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्य मालिनी का बेटा अतिकाय था, जो अति वीर और पराक्रमी था। इसने सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करना शुरू किया और उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न किया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद अतिकाय ने उन्हें खुश करके धनुर्विद्या और कई और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, अतिकाय ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनका ब्रह्म कवच भी ले लिया, जिस वजह से कोई भी दिव्य शस्त्र अतिकाय पर काम नहीं करता था। जब रामायण का युद्ध हुआ था उस वक्त भगवान लक्ष्मण के सभी शक्तिशाली अस्त्र अतिकाय के सामने निरर्थक से लग रहे थे। इनका कोई भी अस्त्र प्रहार अतिकाय पर काम नहीं कर रहा था और अंत में अतिकाय का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। नंबर फोर, बाली। अब वैसे तो महाबली बाली भगवान इंद्र के पुत्र थे, इसीलिए भगवान इंद्र ने उन्हें एक अद्भुत माला दी थी जो बाली को शक्ति प्रदान करता है। बाली इस वजह से इस माला को कभी भी उतारते नहीं थे और हमेशा इसे अपने गले में धारण किए रहते थे। बाली की ये अद्भुत माला इतनी चमत्कारी थी कि जो भी योद्धा उनके सामने युद्ध करता था ये उसकी आधी शक्ति बाली को दे देता था, जिस वजह से सामने वाले इंसान के लिए बाली को पराजित करना असंभव हो जाता था। बाली के वीरता और पराक्रम की कहानी सुनकर एक बार रावण भी उनसे मल्ल युद्ध के लिए आया था, लेकिन हार कर रावण को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। अपने इस अद्भुत ताकत की वजह से बाली को काफी घमंड हो गया था और बाद में भगवान राम ने बाली के इस घमंड को खत्म करते हुए बाली का वध किया था। नंबर थ्री, कुंभकर्ण। भगवान विष्णु के द्वारा द्वारपाल जय के अवतार यानी कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। इनकी माता कैकसी राक्षस वंश की थी, जिस वजह से कुंभकर्ण भी राक्षस वंश से नाता रखने की वजह से कई राक्षसी शक्तियों का मालिक था। कुंभकर्ण काफी विशाल था और इस वजह से किसी भी आम इंसान का उसके आगे टिक पाना काफी मुश्किल था। यहां तक कि भगवान इंद्र भी अपने वज्र के प्रहार से उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे, इसीलिए वो भी कुंभकर्ण से डरते थे। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा भगवान को तपस्या करके प्रसन्न किया और उनसे भगवान इंद्र का इंद्रासन मांगने ही वाला था कि लेकिन उसी वक्त उनकी जीवा पर माता सरस्वती ने निवास किया और जिस वजह से उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला और भगवान तथास्तु कह के वहां से चले गए। रामायण के युद्ध में हनुमान और लक्ष्मण के कुंभकर्ण से पराजित होने के बाद भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया था। नंबर टू, मेघनाथ। रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा बेटा मेघनाथ भी काफी बलवान था। मेघनाथ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कई अस्त्र शस्त्र दिए थे, साथ ही कई मायावी शक्तियों का भी ज्ञान करवाया था। मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से जानते थे क्योंकि मेघनाथ ने अपने पराक्रम के दम पर इंद्रलोक को भी जीत लिया था। मेघनाथ भी अपने पिता रावण की तरह ही अत्यंत ज्ञानी और पराक्रमी था। पूरे विश्व में अति महारथी की उपाधि पाने वाला मेघनाथ पहला और आखिरी व्यक्ति था। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके माता सीता की खोज में आए हनुमान को भी बंदी बना लिया था और अपने बल और पराक्रम के दम पर रामायण युद्ध में भी तहलका मचा दिया था। नंबर वन, रावण। रावण बचपन से ही वीर और अति पराक्रमी था। तमाम तरह के वेदों का भी रावण को खूब ज्ञान था। रावण ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी और उनसे कई दिव्य शस्त्र और अस्त्र को प्राप्त किए थे, साथ में नाभि में अमृत का वरदान भी प्राप्त किया था। रावण के पास दिव्य शस्त्रों में रावण शस्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रजास्त्र, शक्तिबाण, नागपास जैसे कई भयानक शस्त्र और मायावी शक्तियां थीं। किसी आम इंसान का रावण को पराजित करना तो असंभव ही था। तभी उसके बढ़ते पाप को खत्म करने के लिए भगवान राम ने उसका वध किया और शांति का साम्राज्य स्थापित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल फैक्टो पंडित को सब्सक्राइब करना ना भूलें।